हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अभी से शुरू चैनल पे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ यूट्यूब की 7 ऐसी सीक्रेट सेटिंग के बारे में जिसके बारे में फ्रेंड्स आपको नहीं पता। ठीक है फ्रेंड्स, आप मेरी वीडियो को कंप्लीट देखना हो ताकि आपके पास कंप्लीट नॉलेज पहुंच सके। ठीक है फ्रेंड्स, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। इसके लिए हमने क्या करना है, पहली सेटिंग क्या होती है ये मैं दिखाता हूँ। मैं अपना YouTube ऑन कर रहा हूँ। पहली सेटिंग होती है अपनी वीडियो की स्पीड को कम और ज्यादा कैसे करें। कई बार फ्रेंड्स हमें क्या होता है, कोई नॉलेज की वीडियो चाहिए होती है, उसकी स्पीड ज्यादा होती है, हमें बार बार पॉज करना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके लिए हमने क्या करना है, कोई भी एक वीडियो मैं एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ, कोई भी एक वीडियो को हम प्ले कर लेते हैं। जैसे ये वाली वीडियो है, इसको हम प्ले कर लेते हैं। प्ले करने के बाद ये काफी तेज चलती है फ्रेंड्स, तो इसको हम स्लो कैसे करेंगे। हम इसके ऊपर ये 3 डॉट रहते हैं, हम 3 डॉट पे जाना है जहां पे रहता है प्लेबैक स्पीड। तो जहां पे अगर हम इसको 0.25x कर देंगे तो बिल्कुल स्लो हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, आप देख रहे हो ना वीडियो कितनी स्लो हो गई है। अगर फ्रेंड्स हमें इसकी स्पीड को थोड़ा और स्लो करना चाहते हैं, मतलब इसे थोड़ा अप करना चाहते हैं, तो हम 0.75 पे कर देंगे, जो नॉर्मल से थोड़ी स्लो है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम इसकी स्पीड और बढ़ाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, प्लेबैक स्पीड, तो इसकी स्पीड हम 2 गुना भी कर सकते हैं, 1.5 गुना भी कर सकते हैं, 1 गुना बढ़ा सकते हैं। तो ये देखो मैं 2 गुना बढ़ा के दिखा रहा हूँ, अभी देखो ये कितना तेज चलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बहुत काम की है सेटिंग है फ्रेंड्स, आप अपने फोन में कर सकते हो। अगर आपको कोई एजुकेशन वीडियो, आपने कुछ सीखना है, तो बार बार आपको पॉज करने की जरूरत नहीं, आप बहुत ही क्लियर और स्लो और तेज में दोनों तरीके से देख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, अभी मैं इसकी सेटिंग को नॉर्मल कर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने कर दिया, नॉर्मल कर दिया। तो दूसरी चीज रहती है फ्रेंड्स, दूसरी सेटिंग के बारे में बात करूंगा अभी, टाइम सेट वीडियो कमेंट में भी। अगर कोई वीडियो हम देख रहे हैं, कोई एजुकेशन वीडियो है, वो क्या करता है, सबसे पहले 1.5-2 मिनट अपने मतलब बकवासबाजी में लगा देता है, पहले बोलता रहता है मेरे जैसे मैं बोलता हूँ, पहले अपने मतलब इंट्रो देता हूँ वीडियो के रिलेटिव, तो उसको हम कट करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते भी इस वीडियो को कोई भी देखे तो उसको दिक्कत आया ना, पहले की 1.5-2 मिनट बकवास है, लेकिन उसके बाद काम की चीज है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, हमने कोई भी एक वीडियो ले लेनी है। मैं दिखाता हूँ फ्रेंड्स, कोई भी एजुकेशन वीडियो, जैसे जे वाली है, जे वाली वीडियो है, इसको क्या करना है, हमने आगे का पार्ट कट करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके कमेंट सेक्शन में जाना है। कमेंट सेक्शन में नीचे जाने के बाद अभी हमने कितनी देर मतलब कितना टाइम कट करना चाहते हैं, मान लो हम इसमें पहले के 1.5 मिनट कट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना है, कमेंट में 1, उसके बाद 2 ये डॉट रहते हैं, ये 2 डॉट, उसके बाद हमने कर देना है 30 मिनट, है ना। उसके बाद हमने लिख देना है स्पेस देके ऐड। जब हम ऐड कर देंगे तो जो जो हमारा कमेंट है ना, जो हमने 1.3 किया था, वो क्या करता है, ब्लू में हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, ये देखो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ब्लू में हो गया। अगर हम इसको क्या करेंगे, देखो मैं वीडियो को दोबारा शुरू से चलाता हूँ, अगर कोई भी कमेंट पे आएगा जहां 1.30 पे क्लिक करेगा, तो अपने आप ये देखो फ्रेंड 1.5 मिनट पे लग गई है। तो ये बहुत काम की ट्रिक है फ्रेंड्स, मुझे नहीं लगता किसी को पता होगी। तो इसमें से क्या होता है, जो वीडियो देखने से पहले कमेंट पढ़ते हैं, वो कमेंट में जाके सीधा 1.5 मिनट का ओके कर देगा, तो आप वीडियो जो फालतू का टाइम उसका समाप्त भी आ जाएगा, तो उसके पास नॉलेज भी कंप्लीट चली जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगली सेटिंग के बारे में बात करता हूँ, वॉच लेटर। कई बार फ्रेंड्स हमें क्या होता है, हमें बहुत काम की चीज देख रहे होते हैं, हमें कोई ना कोई काम पड़ जाता है, हमारी संस्था की तरफ से काम पड़ जाता है, या हमें कोई और घर का काम पड़ जाता है, तो हमें वीडियो को बीच में रोकना पड़ता है, मतलब यूट्यूब को बंद करना पड़ता है, दोबारा हम उसको ढूंढते हैं तो हमें ढूंढने पर मिलती नहीं है। तो इसके लिए इसके बीच एक कमाल का फीचर दिया गया है फ्रेंड्स, वॉच लेटर। तो इसी वीडियो को मैं दिखाता हूँ भी वॉच लेटर हम कैसे लगाते हैं। जैसे जे वाली वीडियो है, ये वाली वीडियो है, तो इसको प्ले करने से पहले क्या करते हैं, जहां पे एक 3 डॉट रहते हैं, 3 डॉट पे क्या करना है, हमने इसको क्या कर देना है, सेव टू वॉच लेटर, जो पहले का ऑप्शन है इस पे हम ओके कर देंगे, तो ये हमारी वॉच लिस्ट में चली गई है। तो इसको हम दोबारा कैसे देखेंगे, मान लो भी हमने तो वॉच लिस्ट में तो लगा दिया, उसके बाद हमने क्या करना है, एक लाइब्रेरी में जाना है। ये फ्रेंड्स हम लाइब्रेरी में चले गए, तो जहां पे ये लिखा हुआ है पांचवें नंबर पे वॉच लेटर, तो इसके हम ओके करेंगे, तो ये देखो हमने जो ये ऊपर वाली वीडियो है ना, इसको वॉच लेटर लगा दिया, जहां पे आके आप दोबारा जब भी आपको दोबारा टाइम मिलता है तो आके यहां से देख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगले नेक्स्ट सेटिंग की बात करूं, तो चौथी सेटिंग है वॉच हिस्ट्री।
कई बार ऐसा होता है फ्रेंड्स, हमारा फोन हमारी वाइफ के पास होता है, हमारे किसी हस्बैंड के पास होता है, हमारे बच्चे के पास होता है, तो हमें क्या करना है, हमें देखना होता है भी हमारी फैमिली ने हमारे बच्चे ने कोई ऐसी गलत चीज तो नहीं देखी काम की है। कई बार ऐसा बच्चा होता है हम कार्टून लगा के दे देते हैं, तो उसमें क्या होता है कुछ एडल्ट कंटेंट वगैरह आ जाता है, वो देख लेता है, तो उसको हम कैसे देख सकते हैं उसने क्या देखा या किसकी वीडियो देखी है, मतलब पूरी हिस्ट्री हम क्या करते हैं देख लेते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, वही लाइब्रेरी पे जाना है। लाइब्रेरी के जाने के बाद हमें क्या करना है, हिस्ट्री पे जाना है, जहां से हम देख सकते हैं उसने क्या देखा। अगर जहां पे कोई ऐसा कंटेंट मिलता है भी उसने ये गलत चीज की है, मतलब गलत देखी है, तो जहां से हम क्या कर सकते हैं इसको हटा सकते हैं, मतलब कि रिमूव फ्रॉम वॉच हिस्ट्री, जहां से हटा सकते हैं तो एडिट कर सकते हैं, जो भी है ना इसमें हम कर सकते हैं, तो रिपोर्ट भी इसकी कर सकते हैं। तो अगली सेटिंग है रिपोर्ट के बारे में मैं बात करूंगा। इसकी रिपोर्ट कई बार ऐसा होता है हमारे यूट्यूब पेज पे जब हम खोलते हैं तो कोई ऐसी वीडियो आने शुरू हो जाती है जो हमारी फैमिली के लिए, हमारे बच्चे के लिए, हमारे बिटिया के लिए भी सही नहीं है, वो देखना नहीं चाहिए, मतलब बच्चे के ऐसी आनी नहीं चाहिए। लेकिन क्या होता है बार बार जब खोलते हैं बार बार आ जाती है, तो उसको हम कैसे हटाएं, तो उसके लिए हमें क्या वही करना है, मतलब कि जो भी कोई भी वीडियो है, मान लो जे भाई वीडियो है बच्चे की, तो उसको हमें वही थ्री डॉट पे जाना है। थ्री डॉट जाने के बाद जहां हम रिपोर्ट कर देंगे, रिपोर्ट पे जाने के बाद जहां पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं भी कैसा है, कंटेंट है सेक्सुअल कंटेंट है, वॉयलेंट है या हेटफुल है या हार्मफुल है या स्पैम है, मतलब गलत चीज दिखा रहे हैं, तो जहां से हम ओके कर देंगे तो वीडियो वहां से हट जाएगी, दोबारा आपकी स्क्रीन पे नहीं देखेगी। ठीक है फ्रेंड, तो अगली सेटिंग है छठवीं सेटिंग के बारे में बात करूंगा मैं। सर डोंट रिकमेंड चैनल। ठीक है फ्रेंड, कई बार क्या होता है हमारे चैनल पे कुछ ऐसा रहता है, मान लो आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दिया, तो आपके पास कई बार सब्सक्राइब कर देते हैं, कई बार बगैर सब्सक्राइबर से भी बार बार कुछ ऐसी वीडियो आती रहती है जो भी हम देखते हैं, क्योंकि यूट्यूब की एक पॉलिसी है वो हमें हमारा इंटरेस्ट के हिसाब से ना जो हम देखना पसंद करते हैं वैसे ही उससे रिलेटेड वीडियो बार बार भेजता रहता है। उसको हम कैसे हटाएं, मान लो जी मेरी वीडियो पर बार बार, क्योंकि मेरा बच्चा देखता रहता है कार्टून, तो कार्टून को कैसे हटा सके होंगे, तो हमने क्या करना है जहीं पे तीन डॉट पे जाना है, तो जहां पे हमने डोंट रिकमेंड चैनल पे कर देना है। डोंट रिकमेंड चैनल पे क्या करेंगे, वो वीडियो जो देखो आपके सामने हट गई है कुछ, ये नीचे की वीडियो कार्टून की आ रही है, इसको भी हम क्या करेंगे डोंट रिकमेंड चैनल पे कर देंगे, तो ये वीडियो देखो आपके सामने से हट गई है। तो इस हिसाब से इस सेटिंग से आप बड़ी इजीली मतलब के जो बार बार चीज आ रही है उसको हटा सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, अभी सातवीं बहुत इंपॉर्टेंट जो सेटिंग है उसके बारे में मैं बात करूंगा, तो ये होता है इनकॉग्निटो। इससे क्या होता है फ्रेंड्स, जो भी हम देखते हैं हमारी वॉच हिस्ट्री में चला जाता है ना, मतलब कोई भी बाद में डिटेक्ट कर सकता है भी इसने क्या चीज देखी है क्या चीज नहीं देखी, तो उसको हम क्या करेंगे कैसे करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखो ऊपर वाली जो हमारा ये रहता है ना ए बनी हुई है, तो मेरा ये चैनल अभी से शुरू, इसको मैंने ओके कर देना है। ओके करने के बाद जहां पे नीचे दिखा हुआ है टर्न और इनकॉग्निटो सेटिंग है ना, इसको क्या कर देना हमने गॉट इट कर देना है। अभी फ्रेंड्स ये देखो ऊपर से एक आइकन भी आ गया है, मतलब आपकी जो भी चीज आपने जहां देखनी है वो गुप्त हो जाएगी, मतलब कि इसका मतलब यही होता है भी कोई और इसको देख ही नहीं सकता भी आपने क्या चीज देखी है क्या चीज नहीं देखी। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं मेरी ये छोटी सी मतलब कि कोशिश आपको बढ़िया लगी है, तो फ्रेंड्स इसको चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और ऊपर आई बटन में जाना है वहां से इसके रिलेटेड भी आपको वीडियो मिल जाएगी। और फ्रेंड्स मुझे नीचे कमेंट करना भी आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, और इसके रिलेटेड आपको और कोई वीडियो और कोई टॉपिक के बारे में आपको कहीं दिक्कत हो रही है कोई चीज चल नहीं रही कोई भी फोन के रिलेटेड कुछ भी नॉलेज आपको चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट में देना, मैं उसके रिगार्डिंग आपके लिए वीडियो बना दूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।